उनकी सूची बना लो, उनका रजिस्ट्रेशन करवा दो। सारे ऐसे छोटे छोटे व्यापारियों को पीएम और सीएम स्वनिधि के अंतर्गत 10,000 रुपया बिना ब्याज का काम धंधे के लिए दिया जाएगा। लगभग 9,00,000 लोगों को प्रदेश में दे चुके हैं। जितने बचे हैं उनमें से कोई वंचित नहीं रहेगा। उनका छोटा मोटा काम धंधा जारी रखने के लिए उनको ये पैसा दिया जाएगा। 9,00,000 को दे चुके हैं और ये भी दे दिया इसमें, जो 10,000 वापिस कर देगा साल भर में उसको 20,000, जो 20,000 वापिस कर देगा उसको 50,000। शहर रोजगार के इंजन बन जाए और गरीब को भी बिना ब्याज का पैसा मिल जाए। और तीसरी चीज, मेरे नौजवान बेटे बेटियों, तुम्हारे लिए शासकीय नौकरियों के अलावा भी जो अवसर उपलब्ध है, एक मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत योजना चालू हो गई, 1,00,000 से लेके 50,00,000 रुपए तक का लोन तुम्हें 1 से 50 बिना गारंटी के, 1,00,000 से लेके 50,00,000 रुपए तक का लोन, जिसकी गारंटी मम्मी पापा नहीं लेंगे, तुम्हारा मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी, ताकि अपना छोटा मोटा बिजनेस व्यवसाय काम धंधा चालू कर सको। और चौथी चीज, उद्योग और दूसरी चीजें लाके शहरों में निर्माण की गतिविधियां बढ़ा के हम मजदूर और गरीब बहनों और भाइयों को रोजगार देने का काम करेंगे। ऐसे शहर जहां कोई बच्चा अनाथ ना घूमे, जितने शहर है नगरी निकाय है सब में वो बच्चे जो सड़कों पे कई बार यदा कदा रेलवे स्टेशन इत्यादि पर भीख मांगते मिलते हैं, उनको ससम्मान पुनर्वास करेंगे, आश्रय स्थल बनाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और पढ़ाई लिखाई के बारे में एक बात और मैं कह रहा हूं, देखिए कमलनाथ जी ने और कांग्रेस की सरकार ने हमारी सारी योजनाएं बंद करके बड़ा अपराध और पाप किया था। उन्हें कई योजना बंद कर दी, वो सब बताने का समय आज मेरे पास नहीं है। माताओं बहनों को जन्म के पहले 4,000 बेटा बेटी के और जन्म के बाद 12,000 देते थे, उन्हें वो योजना बंद कर दी। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम शिक्षा का स्तर ठीक करने के लिए सीएम राइज स्कूल पूरे मध्य प्रदेश में प्रारंभ कर रहे हैं। कटनी में भी सीएम राइज स्कूल खुलेगा, एक स्कूल की बिल्डिंग 38 करोड़ रुपया में बनेगी, वहां लाइब्रेरी होगी, वहां लैब होगी, वहां स्मार्ट क्लास होगी, वहां कंप्यूटर होगा, वहां खेल का मैदान होगा और बसें होंगी जो बच्चों को लेने केवल शहर में नहीं गांव में भी जाएंगी और स्कूल सवेरे लेके आएंगी, शाम को घर वापस छोड़ के आएंगी। और प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण व निःशुल्क प्रदान की जाएगी, ताकि गरीब से गरीब का बेटा बेटी भी पढ़ सके। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज, जितने प्राइवेट स्कूल है उनमें भी 25% सीटें गरीबों के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। और तीसरी चीज ध्यान से सुन लेना, सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, अल्पसंख्यक हो, सबका साथ, किसी को हमने नहीं छोड़ा है। ध्यान से सुनना, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश की धरती पर होगा। अगर गरीब से गरीब के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बेटा बेटी पढ़ने के बाद उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी आईआईएम में होगा, किसी और यूनिवर्सिटी में होगा, मैनेजमेंट के कोर्स में होगा, तो फीस बहुत ज्यादा रहती है। मैनेजमेंट के जो कोर्सेस होते हैं प्रतिष्ठित कॉलेजों के, वहां 20-40-40-50-50 लाख रुपया भी होती है। बताओ उतनी फीस क्या गरीबों के बेटा बेटी भरवा सकते हैं? जोर से बोल के बताओ, भरवा सकते हैं? तो उनकी ये फीस अब उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। एक सामाजिक क्रांति है। मैं सभी नगरों की जनता से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाने लिखाने का काम करे और उनकी जिंदगी सुरक्षित बनाए।
ये धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुम्मन, तेरे बेटा बेटे भी बड़े पदों पर पहुंचेंगे, तुम्हारे बच्चों के सपनों को मामा नहीं देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म नहीं होने देगी।